नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कुत्ते की पूंछ को हम कभी सीधा नहीं कर सकते, गोपाल भार्गव। कुत्ते की पूंछ को हम कभी भी सीधा नहीं कर सकते, पाकिस्तान भी कभी सीधा नहीं हो सकता। पाकिस्तान इस समय बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी उस आतंकवाद, पाकिस्तान के अंदर कराची इत्यादि विस्फोट होते हैं, आतंकवादी किसी के नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमी पे, खास तौर से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, इसमें उनके कैंप में उनके लिए प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग की सुविधाएं देता है, उनकी आईएसआई की अनुमति देती है और सहायता भी करती है, वित्तीय सहायता भी करती है। सारी बातों की जानकारी है तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इसके लिए बंद करे, अन्यथा हिंदुस्तान समर्थ है। सर्जिकल स्ट्राइक फिर होगी क्या? मैं इसके बारे में आधिकारिक रूप से नहीं कहना सकता, क्योंकि मैं पर आप मानते हैं सर, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए क्या? सर्जिकल स्ट्राइक और इससे भी बढ़ के कोई अधिक उठाना पड़े कदम, ये हमारे लिए उठाना चाहिए। पूरे देश की जनता 130 करोड़ लोग इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ में है, सेना के साथ में है, और यदि हमें जरूरत पड़ी अपने खून की, अपने पसीने की, अपने पैसे की, अपने धन की, संपत्ति की, यहाँ तक आज सुबह मेरे इकलौते बेटे ने ही मुझसे कहा कि यदि पिताजी मेरी आवश्यकता पड़े सेना में जाने की, तो मैं इसके लिए आज ही तैयार हूँ, आप अपनी तरफ से कह सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि एकमात्र बेटे ने जब कहा है तो हिंदुस्तान की करोड़ों माताएं ऐसी, करोड़ों पिता ऐसे होंगे जो इस घड़ी को, इस बाट को देख रहे होंगे कि कब उनके लिए प्राणों का अवसर करने का अवसर आए और इस सौभाग्य उनके लिए मिले। पाकिस्तान इस समय बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद है, कराची इत्यादि में हमले होते रहते हैं, आतंकवादी किसी के नहीं होते। पाकिस्तान आईएसआई आतंकवादी को बढ़ावा देना बंद करे। जब गोपाल भार्गव से पूछा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए क्या, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और इससे भी बढ़कर कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। देश की 125 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के और सेना के साथ है। मेरे इकलौते बेटे ने कहा है कि पिताजी अगर मेरी सेना में जाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं जाने को तैयार हूँ, और अगर मेरे इकलौते बेटे ने यह कहा है तो इस देश की करोड़ों माँ अपने बेटे को सेना में जाने के लिए अनुमति देंगी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।